Hello students, I hope you all are doing good. So students, in the last class of class 4 EVS, we started the chapter, The Land of India. Okay, in today's class, students, we are going to start the next topic, which is going to be covered by us. Okay, aaj hum naya topic start karenge is chapter mein, and wo hoga Northern Plains. So just look at this one here. As you can see here, beta, we have completed this thing. Look at this. This is the chapter 23, the land of India. Okay, and now in today's class you will see the next topic. हमने ये complete कर लिया था. We went through the map. हमने पूरे maps के through. We went through the map and we covered everything. हमने maps के through ये सारे points जो भी यहाँ पे noted down है, we covered it, right? Now, and then we came to hit this and हमने जाना that there are six major geographical reasons हैं जिसमें इंडिया डिवाइडेड है. सो दीज वर द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. ओके, नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट थिंग दैट इज गिवन हियर. सी दिस हिमाद्री, हमने हिमाद्री कवर किया था. दैट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेटर हिमालयस. उसके बाद वी केम टू दिस एंड हमने क्या कवर किया, हमने पढ़ा था हिमाचल और द मिडल हिमालयस. हमने क्या पढ़ा, हिमाचल और द मिडल हिमालयस. दिस वॉज द सेकेंड रेंज. फर्स्ट क्या था हमारा, हिमाद्री. सेकेंड था हमारा हिमाचल और मिडल हिमालयस, दिस वन. एंड थर्ड है हमारा शिवालिक, शिवालिक और आउटर हिमालयस. ये भी हमने कवर कर लिया था. नाउ वी वेंट थ्रू द, आफ्टर दिस वी वेंट थ्रू द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयस. तो इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयस में क्या था कि ये नेचुरल बाउंड्री की तरह काम करता है, हमें फॉरेन इन्वेजन से बचाता है, एंड जो ठंड की हवाएं होती हैं, जो सर्द हवाएं होती हैं, उनसे भी हमारी वो भी हमारी कंट्री में आने से रोकता है. इस तरीके से हमने इम्पोर्टेंस भी लास्ट क्लास में पढ़ लिया था. सो दीज थ्री थिंग्स एंड द अदर थिंग्स वर कवर्ड. Today we will start the Northern Plains. Okay, what we will start? The Northern Plains. So these plains lie between the Himalayas and the Southern Peninsula. Okay, now look at this picture here. आप ये देखोगे, ये जो आपका area है बेटा, this one, यहाँ से ये आपका होता है Southern Peninsula. ये कौन सा area होता है, ये होता है Southern Peninsula. और आपका जो ऊपर का बेटा, यहाँ से ये जो ये वाला एरिया है पूरा, ओके, ये जो पूरा एरिया है, इन दोनों के बीच का एरिया, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये पूरा एरिया आपका कहलाता है नॉर्दर्न प्लेन्स. क्या कहलाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स. ठीक है, तो ये सारा एरिया आपका कहलाएगा, इधर का ये सब जो एरियाज है इधर आते हैं, ये नॉर्दर्न प्लेन्स में आते हैं. तो यही ये पॉइंट बोल रहा है कि जो आपका नॉर्दर्न प्लेन है वो हिमालय और साउथर्न सदर्न पेनिनसुला के बीच में आता है. तो ऊपर तो आपका ये हिमालय है, राइट, यहाँ पे नीचे आपका ये जो है ट्राइंगल शेप में, ये आपका सदर्न पेनिनसुला है. तो बीच का एरिया क्या होगा, जो ये बीच का एरिया होगा बेटा, ये पूरा ये जो बीच का एरिया होगा, ये कहलाएगा नॉर्दर्न प्लेन्स. ठीक है, इसे ही हम फूड बोल ऑफ इंडिया भी कहते हैं. इन द प्रीवियस चैप्टर्स यू हैव, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट इट. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, सी व्हाट इट इज टेलिंग. ये कह रहा है कि जो नॉर्दर्न प्लेन है वो कहाँ से कहाँ तक, वो 2400 किलोमीटर लेंथ वाइज है. तो अगर आप उसकी लंबाई की बात करेंगे तो कितनी लेंथ है नॉर्दर्न प्लेन्स की, तो वो है 2400 किलोमीटर. ओके, एंड व्हेन इट कम्स टू द विथ, जब उसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो उसकी चौड़ाई कितनी है, वो है 242-320 किलोमीटर. 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई है, एंड लंबाई कितनी है 2400 किलोमीटर. ओके, नाउ दिस, ये जो लेंथ, ये जो इतना एरिया है नॉर्दर्न प्लेन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है इंडिया का. क्यों, देखिए इधर, दिस रीजन इज द ग्रेटेस्ट हार्टलैंड ये ऑफ इंडिया. ये हार्टलैंड है इंडिया का, पूरा का सबसे बड़ा हार्टलैंड माना जाता है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे है एल्यूवियल सॉइल. यहाँ पे क्या मिलती है, यहाँ पे आपको मिलती है एल्यूवियल सॉइल. ये सॉइल क्या करती है, ये सॉइल, ये जो सॉइल होती है, ये क्रॉप्स के लिए, ये फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है, बहुत ही फर्टाइल होती है इससे भूमि, जो जमीन होती है. सो एंड फॉर्म्स द लार्जेस्ट
एल्यूवियल प्लेन, ये सबसे बड़ी एल्यूवियल प्लेन का निर्माण करती है जो ये पूरे वर्ल्ड में करती है. ओके, पूरे वर्ल्ड में इंडिया के इस नॉर्दर्न प्लेन में सबसे बड़े एल्यूवियल प्लेन का मैदान का निर्माण करती है. द सॉयल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इज फर्टाइल, यानी जो भी मिट्टी है नॉर्दर्न प्लेन की वो बहुत क्या है, वो बहुत ही उपजाऊ है. फार्मर्स हैव प्लग्ड दिस फर्टाइल लैंड और सेंचुरीज. फार्मर्स ने क्या किया है कि बहुत सालों तक, कई सौ सालों से इस फर्टाइल लैंड पे ही, जो जमीन है, जो भूमि है उपजाऊ इतनी, इस पे खेती की है एंड इस पे खेती करते चले आ रहे हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या बोल रहा है नॉर्दर्न प्लेन के बारे में. इट इज टेलिंग कि ये जो मेजोरिटी ऑफ इंडियंस, आपको जो पॉपुलेशन मिलेगी, जैसे आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले लो क्योंकि ये नॉर्दर्न प्लेन में आता है, तो अगर आप इसका एग्जाम्पल ले लो तो आप देखोगे कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो ब्राजील से भी ज्यादा है. जबकि ब्राजील इज अ कंट्री. ब्राजील क्या है? ब्राजील बेटा एक कंट्री है. और जबकि यूपी क्या है? हमारा हमारा यूपी जो है वो जस्ट अ स्टेट, वो एक स्टेट है, बस किसी कंट्री का एक स्टेट है. सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट कि कितना ज्यादा डिफरेंस, कितने ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, कितना डिफरेंस है यहाँ पे. सो मेजोरिटी ऑफ इंडियंस, अधिकतर जो भारतीय हैं, वो भारत के लोग हैं, वो यहाँ रहते हैं. इट इंक्लूड्स द वैली. देखिए नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या क्या आता है. सो जब आप नॉर्दर्न प्लेन की बात करते हो तो कौन कौन से एरियाज आ गए आपके? ये पंजाब आ गया, थोड़ा सा राजस्थान आ गया. ओके, इधर से आप आएंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड आपका इधर का आता है थोड़ा बहुत, मध्य प्रदेश का थोड़ा थोड़ा पार्ट आता है, ओडिशा का भी कुछ पार्ट आता है. तो ये सो एरियाज है बेटा, ये जो आपके एरियाज है ना, ये सब नॉर्दर्न प्लेन में आ जाएंगे, जो बीच के सारे पार्ट के एरिया हुए. तो इससे क्या होता है कि ये जो एरिया है ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है. ये तो हमें पता चल गया. नाउ सी इट इज व्हाट इट इज टेलिंग. यहाँ से बहुत सारी, यहाँ बहुत सारी नदियों की घाटियां मिलेंगी आपको, बहुत सारी नदियों और उनकी सहायक नदियों की घाटियां आपको मिलेंगी. देखिए जैसे आप यहाँ के रीजन में देखेंगे, आप इंडिया के मैप में अगर ये देखिए, अगर आप फर्स्ट हमारी रिवर कौन सी है, फर्स्ट रिवर अगर हमने कहा गंगा, ठीक है, तो आप गंगा देखेंगे तो वो यहाँ पे आपको यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन है ना, यहीं पे मिल रही है. अगर आप ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे तो वो अरुणाचल प्रदेश से आती है और आसाम का जो हिस्सा है ना वो भी प्लेन्स में आता है. ओके, वो भी आपको यहाँ पे आके बहते हुए मिलेगी. तो ब्रह्मपुत्र की वैली आपको यहाँ मिल गई एंड सतलज, सतलज आपकी, सतलज की वैली आपको यहाँ पे मिलेगी, ये पंजाब वगैरह के एरिया में, तो पंजाब भी नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट है और उसकी वैली यहाँ मिल गई. इस तरीके से तीनों वैलीज की, तीनों जो रिवर्स है उनकी वैलीज और उनकी जो भी सहायक नदियां, यानी जो छोटी छोटी नदियां उनसे आके मिलती हैं और उनसे निकली हुई जो नदियां हैं वो सब आपको यहाँ नॉर्दर्न प्लेस में मिलेगी. ओके, तो ये कर लिया हमने पूरा, दिस इज वी हैव कंप्लीटेड नॉर्दर्न प्लेस. वन मोर सेंटेंस इज रिमेनिंग कि जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज है जैसे दिल्ली, ओके, जैसे प्रयागराज एंड वाराणसी, अलाहाबाद को प्रयागराज, दिस इज द न्यू नेम, राइट, एंड दिल्ली का वाराणसी, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज है, जो बड़ी बड़ी सिटीज है, ये कहाँ पे आपकी पड़ती है? ये सब आपके नॉर्दर्न प्लेन के अंदर आती है. ओके, तो इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं, तभी पॉपुलेशन भी बहुत यहाँ पे ज्यादा है एंड बहुत ही ज्यादा यहाँ पे लोग निवास करते हैं एंड जो टेम्परेचर है एंड जो क्लाइमेट कंडीशन वो भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं. सो दिस इज वी हैव कंप्लीटेड द नॉर्दर्न प्लेन्स. Okay, this is done. Now come to this one, importance of the northern plains. Now we will do ki importance kya hai northern plain ki, let's see. So the soil of the northern plain is very good. जैसे मैंने बताया मिट्टी यहाँ की बहुत गुड, बहुत ही अच्छी है, वेरी गुड फॉर द क्रॉप्स, फसल के लिए बहुत अच्छी है. जैसा कि हिमालय के जैसा होता है, हिमालय में क्या होता है, हिमालय के रेंजेस में बहुत ठंड होती है और लोग वहाँ पे नहीं रह पाते, वैसा यहाँ बिल्कुल नहीं है. यहाँ पे ठंड ज्यादा नहीं होती है एंड लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे. सो नाउ कम टू दिस पार्ट एज द लैंड. सेकेंड हमारा इंपॉर्टेंस क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो लैंड है, जो भूमि है, वो बिल्कुल फ्लैट है, पहाड़ नहीं है, पर्वत नहीं है, इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छा नेटवर्क है किसका, रोड और रेलवेज का. थर्ड पॉइंट हमारा कह रहा है दिस हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग द फूड प्रोड्यूस टू हियर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ओके, जो भी फूड प्रोड्यूस होता है ना, जो भी
क्योंकि यहाँ पे फसलें बहुत अच्छी होती हैं, तो जो भी फसल उत्पन्न होती है, फसल जो बोई जाती है और जो फसल उगती है, वो यहाँ से, क्योंकि नेटवर्क रोड रोड एंड रेलवे का नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, तो वो सब हमारे इस रीजन से, नॉर्दर्न प्लेन से, पूरी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में जाती है. ओके, तो वो अलग अलग पार्ट्स में जाती है. नाउ कम टू दिस, द डेजर्ट रीजन. तो ये हमने पूरा कर लिया, द नॉर्दर्न प्लेन्स. ओके, वी हैव कंप्लीटेड द नॉर्दर्न प्लेन्स. अब बात करते हैं डेजर्ट रीजन की. तो ये जो डेजर्ट रीजन है, ये इंडिया का स्पेशली कौन से एरिया में पड़ता है, तो आप ये देखिए, ये आपका पड़ता है राजस्थान में. राजस्थान का पूरा एरिया जो है वो डेजर्ट रेगिस्तान है. और इसको किस नाम से जानते हैं, इसे हम थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं. इट्स THAR, थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं. एंड देयर इज वन मोर नेम, इसके लिए एक और नाम है, वो है आपका द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, उसके नाम से भी इसे जानते हैं. अब ये जो रीजन है ना, यहाँ बहुत कम बारिश होती है, बहुत ही कम बारिश होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उगते, ना ही लोग ज्यादा यहाँ पे रह पाते हैं. उसका कारण क्या है, क्योंकि पूरा रेगिस्तान है, तो गर्मियों के दिनों में ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है. एंड जब ठंड आती है, तो ये ठंड की जो रात होती है वो डेजर्ट में उतनी ही ज्यादा ठंडी होती है. तो ये रीजन है कि यहाँ जो पॉपुलेशन है, जो लोगों की संख्या है, वो यहाँ पे बहुत ही कम है, और लिविंग कंडीशन यहाँ का बहुत ही डिफिकल्ट है. ओके, नाउ कम टू दिस, द सदर्न प्लेट. द सदर्न प्लेट ये हमने कर लिया डेजर्ट रीजन. तो देखिए, हम ऊपर से आए, हमने हिमालय की रेंज की, देन हमने ये नॉर्दर्न प्लेन्स किया, देन हम यहाँ पे डेजर्ट पूरा किया हमने. अब आ गए हैं हम सदर्न प्लेट्स, ये ठीक है, डेक्कन प्लेट की तरफ, नीचे की ओर. तो हम ये धीमे धीमे पूरा इंडिया कवर कर रहे हैं, राइट. सो आ जाइए इधर, देखते हैं ये क्या दिया हुआ है. सो द सदर्न पार्ट जो है आपका इंडिया का, वो पेनिनसुला है. पेनिनसुला मतलब कि उसका ऑलमोस्ट, उसका मैक्सिमम जो पार्ट है ना, पूरा नहीं, मैक्सिमम पार्ट उसका पानी से घिरा हुआ है. सो यस, दिस इज ट्रू कि सदर्न पार्ट हमारा तीन साइड से, देखिए, पानी से घिरा हुआ है. तो ये है अरेबियन सी, राइट, और वहां पे है ये ईस्ट में, वेस्ट में हमारा अरेबियन सी है. ईस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट बे ऑफ बंगाल है. ये पूरा रीजन है ना हमारा, सदर्न पेनिनसुला और सदर्न पार्ट का. और ये नीचे की तरफ हमारा इंडियन ओशन, कौन सा है, इंडियन ओशन. ये कहाँ पे है, ये साउथ में है. तो ये हो गए हमारे, ये हो गया कि क्यों ये पेनिनसुला है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट थ्री साइड से पानी से घिरा हुआ है. एंड जो जो भी वाटर बॉडी है, उसका नाम मैंने आपको बता दिया. नाउ आइए इस पे देखते हैं कि क्या कह रहा है. इट इज टेलिंग कि नेक्स्ट थिंग, इट इज टेलिंग द सदर्न प्लेट्स कवर मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रीजन. जो सदर्न प्लेट है ना, वो पेनिनसुलर रीजन का ज्यादातर हिस्सा कवर कर लेता है. यानी कि वो इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन है, जो कि थ्री साइड से पानी से घिरा हुआ है, उसका ज्यादातर हिस्सा तो सदर्न प्लेट्स में ही आ जाता है, वही कवर कर लेता है. तो इट लाइज टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेट्स. अब यहाँ देखिए इस मैप में, आप वापस से देखिए, आपका यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका था नॉर्दर्न प्लेन, राइट. नॉर्दर्न प्लेन में अगर आप यहाँ पे खड़े हो, तो आपके नॉर्थ में ये डायरेक्शन होगी, तो साउथ में कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ तो नीचे आता है ना. तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि नॉर्दर्न प्लेन के प्लेन्स के साउथ में क्या है, सदर्न प्लेन्स पड़ता है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इट इज टेलिंग कि ये जो प्लेट है ना, इट लाइज टू द साउथ ऑफ द ईस्ट, साउथ टू द ईस्ट, विच इज वाई द मोस्ट रिजर्व इन द शेप लाइक, एंड इट इज शेप्ड लाइक ट्रायंगल. ये नॉर्थ से साउथ की ओर पड़ता है, ये नॉर्थ से साउथ की ओर पूरा पड़ता है. और ये किसकी तरह, ट्रायंगल की तरह, क्या है, शेप ट्रायंगल की तरह है ना इसका. और ये शेप किसकी तरह बनाता है, ट्रायंगल की तरह. नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है कि इन दिस रीजन, ओके, दिस प्लेट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, विच इज वाई मोस्ट रिवर इन दिस रीजन फ्लोस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ओके, लुक एट दिस. आप अगर इस मैप को देखेंगे ना, आप देखिए ये वाला हिस्सा आप जो देख रहे हैं सदर्न प्लेन्स का, सदर्न प्लेट का, ये कहलाता है वेस्टर्न, ओके, ये कहलाता है वेस्टर्न घाट. ओके, एंड जब आप ये पार्ट देखेंगे बेटा, तो ये पार्ट आपका कहलाता है ईस्टर्न घाट, क्योंकि ये ईस्ट में है और वो पार्ट क्या है, वेस्ट में है. अब जो वेस्टर्न घाट है ना, वो थोड़ा ज्यादा ऊंचाई पे है. अगर आप देखोगे तो जो वेस्टर्न घाट है वो ऊंचे पे है ऐसे, एंड जो ईस्ट वाला पार्ट है वो नीचे स्लोप की तरह गया हुआ है. तो जेंटली स्लोप है, ढलान है हल्का सा, जिसकी वजह से जो नदियां हैं, सारी नदियां इधर की, एक्सेप्ट टू रिवर्स, दो रिवर्स को छोड़ के सारी नदियां इधर ही गिरती हैं.
ओके किधर गिरती है, सारी नदियां इसी रेंज में यहाँ पे गिरती है। कहाँ गिरेंगी ये गिरेंगी बे ऑफ बंगाल में। केवल दो ऐसी रिवर्स हैं जो गिरती हैं अरेबियन सी में, तो फिर वो कृष्णा हो या फिर वो गोदावरी हो या फिर वो कावेरी हो, ये सारी की सारी नदियां कहाँ गिरती हैं, ये सब बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। एंड अगर आप दो नदियां, उनमें से है एक नर्मदा और एक नदी है तापी, इन दो नदियों का नाम लेंगे, सो नर्मदा एंड तापी, केवल ये दोनों नदियां हैं बेटा जो कि कहाँ गिरती हैं, ये गिरती हैं अरब सागर में, अरेबियन सी में। ओके तो ये था आपका सदर्न प्लेट्स का इंपॉर्टेंट पार्ट। सो ये हमने सब कवर कर लिया। ओके गोदावरी कृष्णा कावेरी गिरती है बे ऑफ बंगाल में और नर्मदा और तापी गिरती है अरेबियन सी में। अब इस यहाँ की नदियों में ना क्या होता है, जैसे हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में आती हैं उनमें पूरे ईयर पानी रहता है, बट यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं लेकिन इनके रिवर्स में ना पूरे ईयर तक पानी नहीं रहता है। नॉट ऑल ऑफ देम हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, इनकी सारी नदियों में वर्ष भर पानी आपको नहीं मिलेगा। So these two are covered. Now come to the next point. The southern plate is bordered on the east by a hill range called the Eastern Ghat. मैंने जैसे बताया, आप यहाँ पे देखेंगे, okay? ये देखिए, इस map में आप देखिए, इस area को क्या कहते हैं? East. ये east में किससे bordered है? जो ये plate है, ये east में किससे bordered है? East में ये bordered है Eastern Ghat से, okay? ईस्टर्न घाट से। एंड वेस्ट में किससे बॉर्डर है? वेस्ट में बॉर्डर है वेस्टर्न घाट से, राइट? अब अगर ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक रेंज मिलेगी, ओके माउंटेन रेंज, इधर ये मिलेगी माउंटेन रेंज आपको, ये है विंध्य, विंध्य माउंटेन रेंज, ओके विंध्य माउंटेन रेंज जिसे कहते हैं। और एक और माउंटेन रेंज मिलेगी जिसका नाम है सतपुड़ा। क्या नाम है उसका? उसका नाम है सतपुड़ा। ये दो माउंटेन रेंजेस आपको मिलेंगी जो कि डेक्कन प्लेट को ऊपर के नॉर्दर्न प्लेन से अलग करती है। देखिए ये जो नॉर्दर्न प्लेन है इन दोनों को अलग कौन करेगा, तो बीच में आपको एक विंध्य रेंज मिलेगा और एक सतपुड़ा रेंज मिलेगी, वही दोनों इस डेक्कन प्लेट को नॉर्दर्न प्लेन से अलग करती है, उन दोनों के बीच में ये दोनों हिल रेंजेस आ जाती है। ओके सो दिस इज डन, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सी व्हाट द बुक इज सेइंग। तो हमने ये कर लिया, दिस इज कवर्ड। ओके नाउ कम टू द कोस्टल रेंज। अब कोस्टल रेंज बहुत ही इजी है, जैसे ये आपके इंडिया का मैप है, यहाँ पे देख रहे हो आप ये, तो आपका जो ये पार्ट है पूरा यहाँ से देख लो, इधर से ये विच आई एम बॉर्डरिंग राइट नाउ, जो मैं आउटलाइन कर रही हूँ, ओके ये जो आपका इधर से ये वाला हिस्सा, ये जो आपका पूरा लाइन ये जो देख रहे हो जिधर पूरी वाटर बॉडी है सब जगह, ये आपका कोस्टल एरिया कहलाता है। ओके लुक एट दिस, सो जो कोस्टल एरिया आपका है वो है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सदर्न प्लेट आर नैरो स्ट्रिप ऑफ कोस्टल प्लेन्स। देखिए यहाँ पे जब आप देखेंगे ना, तो ये आपका एरिया क्या है, ये आपका कहलाता है ये डेक्कन प्लेट हो गया बेटा, ये सदर्न प्लेट हो गया ना, इसको हम सदर्न प्लेट कहते हैं। सदर्न प्लेट और ये जो वेस्टर्न घाट है, ओके इसके बीच में आपको पतली सी स्ट्रिप मिलेगी जो कि समतल मैदान की तरह होगी, वो कहलाता है वेस्टर्न प्लेन। क्या कहलाता है? वेस्टर्न प्लेन। और आपको जो ईस्टर्न घाट है, ये वाला ईस्टर्न घाट और सदर्न प्लेट के बीच में भी एक नैरो सी स्ट्रिप मिलेगी पतली सी समतल मैदान की, वो कहलाता है आपका ईस्टर्न प्लेन। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही उपजाऊ प्लेन है बेटा, जैसे नॉर्दर्न प्लेन उपजाऊ था वैसे ये भी दोनों प्लेन्स बहुत उपजाऊ हैं। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, ये कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट ये है कि विच आर वेरी फर्टाइल, बहुत ही फर्टाइल है, बहुत ही उपजाऊ है, जैसे मैंने बताया दीज आर कॉल्ड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, क्योंकि वो किनारे का है तो कोस्टल वर्ड लगाना जरूरी है। ओके नेक्स्ट लाइन कह रहा है द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ब्रॉडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, The climate is neither too hot nor too cold. So, जो ये eastern coastal plain है ना आपका, ये वाला हिस्सा, ये थोड़ा ज्यादा चौड़ा है, यहाँ पे मैदान थोड़ा चौड़ा है आपका जो western coastal plain से बात करो उसके comparison में। western वाले के जो plain की चौड़ाई है, coastal किनारे की चौड़ाई है, वो कम है किनारे के मैदानों की, eastern coastal plain के वो काफी है। So, इसलिए इधर ज्यादा ही खेती हो पाती है, जैसे ओडिशा है वहां पे चावल वगैरह की खेती होती है, वेस्ट बंगाल हो गया, चावल वगैरह की खेती होती है, बहुत अच्छे से खेती होती है, इसलिए ठीक है, तो ज्यादा फर्टाइल और ज्यादा उपजाऊ माना जाता है।
अब आइए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है. नेक्स्ट है आपका आइलैंड रीजन. ये हमने पूरे इंडिया के सारे पार्ट्स कवर कर लिए हैं. लास्ट है हमारा द आइलैंड रीजन अपार्ट फ्रॉम द मेनलैंड, यानी कि ये पूरा जो भारत की मुख्य भूमि है ना, इसके अलावा ये देखिए ये पूरा भारत का जो मेन एरिया है, इसके अलावा आपको ये पूरे एरिया के अलावा आपको आइलैंड मिलेंगे भारत में दो. ओके देखिए कौन कौन से दो आइलैंड हैं, देखते हैं उनके नाम. सो दीज टू आइलैंड ऑन द ईस्टर्न साइड लाइज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड. ईस्ट साइड में यानी कि बे ऑफ बंगाल की साइड में आपको मिलेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. कौन सा आइलैंड मिलेगा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. एंड अनदर ग्रुप ऑफ आइलैंड फाउंड ऑन द वेस्टर्न साइड इन द अरेबियन सी इज कॉल्ड लक्षद्वीप आइलैंड. उसके बाद आपको वेस्ट साइड में भी मिलेगा आइलैंड, और वो कौन सा होगा? वो होगा लक्षद्वीप आइलैंड. लुक एट दिस, अगर आप इस एरिया में आओगे तो ये है आपका बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार. लुक एट दिस, इफ आई विल जूम इट, तो ये आपका लिखा हुआ है अंडमान एंड निकोबार इस एरिया में. ओके एंड अगर आप इधर बात करोगे, ये एरिया देखिए अरेबियन सी का, तो अरेबियन सी में आप जब इस एरिया को देखोगे तो ये है आपका लक्षद्वीप. ओके कौन सा है ये आपका? लुक एट दिस वन, ये आपका कहलाता है लक्षद्वीप वाला एरिया. ये देखिए ओके, सो इफ आई विल जूम इट यू विल सी केयरफुली, ये कौन सा एरिया है? ये है आपका लक्षद्वीप का एरिया, और आपका जो राइट साइड में है यानी जो ईस्ट साइड में है वो कौन सा है? वो है अंडमान निकोबार का एरिया. ये दो आइलैंड आपके हमारे कंट्री में पाए जाते हैं. ये दो आइलैंड हमारी कंट्री में है, हमारी कंट्री का हिस्सा भी है. ओके सो इन दिस वे दिस इज कवर्ड. नाउ सी दिस, ओके लक्षद्वीप जो है ना आइलैंड है वो कोरल से, कोरल जो है वो कैल्सियम कार्बोनेट से बने का प्रवाल भित्तियां जिन्हें कहते हैं वो होते हैं. ये जो होते हैं ना ये आपके आइलैंड्स के किनारे पर ये पाए जाते, इसी पूरा जो आइलैंड बना है ना पूरा इसी कोरल से बना हुआ है. ओके और नाउ द नेक्स्ट थिंग, ये हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया. हमने आइलैंड रीजन पढ़ लिया, कोस्टल पढ़ लिया, सदर्न प्लेट पढ़ा, एंड देन डेजर्ट रीजन और नॉर्दर्न प्लेट्स भी. उसके पहले हमने हिमालय के रेंजेस कंप्लीट कर ली थी. सो दिस इज कंप्लीट. नाउ वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, द आंसर फॉर द क्वेश्चन सी, क्वेश्चन सी का जो आंसर, बिकॉज यू विल फाइंड द वीडियो, इन दैट वीडियो देयर इज अ मिस्टेक, सो यू विल फाइंड वन मोर थिंग इन दिस दिस वन की फोर्थ में. इन द नॉर्दर्न ऑफ द डेक्कन प्लेट लाइज, कौन सा माउंटेन रेंज था जो डेक्कन प्लेट के नॉर्थ में था? सो दैट वॉज विंध्य. ओके दैट वॉज विंध्य एंड सतपुड़ा रेंज. सो वॉट वुड बी द आंसर? विंध्य एंड सतपुड़ा रेंज. ठीक है, ये था इसका आंसर. सो मेनी स्टूडेंट्स हैव रिटन द हिमालयस, हिमालयस आर नॉट गोइंग टू बी द राइट आंसर. द राइट आंसर विल बी द नॉर्थ ऑफ द डेक्कन प्लेट लाइज. ओके इन द नॉर्थ ऑफ द डेक्कन प्लेट लाइज वॉट? विंध्य एंड सतपुड़ा रेंज. सो दिस इज कंप्लीटेड. इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल फाइंड ऑल द एक्सरसाइजेस एंड द क्वेश्चन आंसर्स. ओके सो फॉर नाउ वी आर डन. सो Thank you. We will meet in that next class. Thank you.